तो दोस्तों अभी भाभी आ चुकी हैं। बस हो वाला है, हो वाला है। गाड़ी लगवा दीजिए ना, एक लोग चले जाइए। गाड़ी भैया दोनों गाड़ी आई है, बाहर गेट पे गाड़ी है, जाइए तो गाड़ी अंदर लाना पड़ेगा ना। हाँ अभी अंदर वहाँ आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा भाभी जी, अंदर में आ जाएगा, घबराइए मत। रो रही है, रोइए मत, ऐसी हालत में चालू रोइए मत। अब क्या अब तो एकदम खुशी का दिन है। बहुत बार ना ना रात को भाभी परेशान हो जाते हैं, इसी वजह से ना वीडियो बहुत भीड़ भी लगा था सब लोग। ना ना वीडियो को बना रहे हैं, सरकार के लिए नहीं होता है। आप लोग दिन में सबकी बसर मानी तो वीडियो ना बनती, आपको देखते चेहरा पे हंसी आ जाता। भाभी तो ऐसा भैया लाखों लोगों की जान है, लाखों लोगों की जान है। दोस्तों शादी जी भावुक हो गई अपना दर्द सोच के, ऐसा हुआ खराब नहीं दोस्तों। आज सालू के जो परेशानी था, दुख कष्ट था, वो दूर हो गया है और आज उसके घर में बेबी आ चुका है। तो ढेर सारा बधाई है सालू भाभी आपको, और कन्हैया भैया आपको भी ढेर सारा बधाई है। तो आप लोग खूब आज नाचिए गाए, खूब मस्ती कीजिए, क्योंकि आज आप बेबी आ चुका है। तो आप लोग का ढेर सारा बधाई हो। और दोस्तों एक राज की बात और है कि देखिए, हॉस्पिटल में जब गई थी गोरखपुरिया भाभी उनसे मिलने के लिए, तो खुशी से रोने लगी, इतना खुशी से रोने लगी कि पूछिए मत। देखिए आप लोग वीडियो में खुशी से रो रही है, बिल्कुल ही खुशी के मारे कति रो रही है। तो दोस्तों आज जो भी है भैया, मजे करो, इंजॉय करो, खूब पार्टी करो, खूब लुटाओ, खूब इंजॉय करो, खूब मस्ती करो। आज आपके घर में प्यारा सा मुन्ना सा नन्हा सा बेबी आ चुका है। तो आप लोग खूब मस्ती कीजिए और खूब लुटाइए, खूब प्यार दुलार में ऐसे ही बने रहेगा, हम लोग का सपोर्ट रहेगा और हम लोग को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए कैसे भाभी रो रही है, अभी देख लीजिए आप लोग, खुशी के आंसू है। तो दोस्तों अभी देखिए भाभी आ चुकी थी, सालू जी पकड़ के खूब रोने लगी। सालू जी का फोन है, क्या करें बताइए, हम वीडियो नहीं दोस्तों बना रहे थे, क्या करें, हम देख रहे थे सब लोग वीडियो बना रहे हैं, बट वीडियो नहीं बना रहे। देखिए बोलेंगे तो गुस्सा भी हो रहे हैं बहुत लोग, वीडियो नहीं बना रहे थे दोस्तों, लेकिन पल पल फोन करते रहते थे, इनके पास नहीं करते थे, नेचुरल के पास करते थे, हम सोचते परेशान हो जाएंगे, हम खुद नहीं सो पा रहे थे जब तक बच्चा नहीं हुआ, जब तक हमको पता नहीं चला। हमको दोस्तों जब बच्चा पैदा हुआ उसके 2 मिनट बाद ही पता चल गया है ना। हाँ। हमको तुरंत कन्हैया बताया, उसके बाद मैं एकदम रिलैक्स हो गई, एकदम कूल हो गई और बहुत अच्छा लगा मुझे, सब कुछ माता रानी ने सही कर दिया। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं।